शब्द ब्रह्मणि शिष्य संताप हार का गुरु बह गुरु बह संताप हर का हर कहा संताप हर का आप और कोई और नहीं भारती दीदी कहाँ है भारती दीदी गुरु बहु बहु अब बोलो और फिर एक बार और किसको हो गया बोलो बोलो शिवानी दीदी नहीं याद रखना बोलो संति शिष्य वित्ताप संति वित्ताप हारका शिष्य संताप हारका ये जो श्लोक है इससे पहले शब्द ब्रह्मणी गुरुदेव ने व्याख्या किया था इसका हाँ तो इसका जो अर्थ है देखो गुरुवः बहवः सन्ति शिष्य वित्ताप हार का दुर्लभो सद्गुरुर देवी शिष्य संताप हार का देवी वर्ड इसमें यूज हुआ इसका मतलब कोई देवता एक देवी को बोल रहा है सीधी सी बात एक देवी वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब कोई देवता कोई देवी को बोल रहे हैं और देवी कौन है पार्वती जी और देवता कौन है शिव जी शिव जी बोल रहे हैं कि हे देवी पार्वती हे पार्वती गुरुवः बहवः सन्ति बहवः मतलब बहुत बहुत सारे गुरु हैं जो क्या करते हैं शिष्य वित्तापहार का वित्त वित्त मतलब पैसा शिष्य के धन को हरण करते हैं इस जगह पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि गुरुवर को बोलते हैं कि केवल धन को हरण नहीं करते हैं उनको भ्रष्ट भी कर देते हैं उनको भ्रष्ट भी कर देते हैं जिनका खुद का कल्याण नहीं हो वो किस प्रकार दूसरे का कल्याण कर सकते हैं नहीं कर सकते तो पार्वती जी को बोलने कि दुर्लभो सद्गुरु देवी शिष्य संताप हर का कि इस प्रकार गुरु तो दुर्लभ है जो शिष्य को संताप जो त्रिताप है आदि दैविक आध्यात्मिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चार प्रकार का ताप से गुरु उसको उद्धार कर सके अब देखो जो चार प्रकार का कष्ट सबको भुगतना पड़ता ही है विशेष करके जन्म जन्म के समय बहुत कष्ट होता है यद्यपि वो सारे कष्ट हम भूल चुके हैं एक छोटा सा उदाहरण है कि एक छोटा सा बच्चा है और बचपन में उस छोटा सा बच्चा का एक अंगूठी कट गया है अंगूठा मान लो कट गया तो उसमें खून निकला होगा बचपन में उसको कितना कष्ट हुआ होगा जब उसका 30 साल हो जाएगा और पूछा जाएगा कि तुम जब छोटे थे 2 साल के उम्र में थे और तुम्हारे इस अंगूठा कट गया था तुम्हें पता है किस प्रकार का तुम्हें कष्ट अनुभूति हुआ था उसको याद होगा क्या क्यों याद नहीं होगा इसका मतलब कष्ट नहीं हुआ था क्या कष्ट हुआ था कि नहीं कितना कष्ट हुआ होगा उस बच्चा को किस प्रकार का कष्ट हुआ होगा लेकिन 30 साल के बाद अगर उसको पूछोगे 20 साल मान लो 10 साल भी मान लो उसके बाद अगर उसको पूछोगे
कि 10 साल से पहले तुम्हारे इतने उम्र में इतने छोटे से थे और खेलते कूदते ही तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा अंगूठा कट गया था, तो उसको उसी प्रकार जन्मजनित जो कष्ट है वो हम भूल चुके हैं, वो हमको याद नहीं है। अब बोलो मृत्यु, पद्म पुराण के अनुसार 60,000 बिच्छू एक जगह पे डंक मारते हैं। एक बिच्छू किस किस को काटे हैं? काटे नहीं। तो जो 1,000 बिच्छू अगर काटते हैं तो जो जिस प्रकार का कष्ट होता है उससे भी और भयानक कष्ट होता है जब शरीर से यमदूत आत्मा को खींच करके ले जाते हैं, तो इस प्रकार का मृत्युजनित कष्ट। और जरा बुढ़ापा कोई नहीं चाहते हैं, वृद्धावस्था कोई भी नहीं चाहते हैं। गुरु जी बोलते हैं ना कि थोड़ा सा अगर सफ़ेद हो गया बाल तो उसमें फिर क्या करते हैं? कलर पोत देते हैं। हमने मेरा कुछ शरीर अस्वस्थ था तो भुवनेश्वर एम्स में गया था, तो जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनके साइड में ही एक चैम्बर था, उसमें देखा कि पूरा एक लंबा लाइन है। मैंने देखा एक पूरा लंबा लाइन है, तो उसी पूरा लंबा लाइन में सब बूढ़े बूढ़े, मतलब 50 से ऊपर 60 से ऊपर सब रिटायरमेंट लोग खड़े हैं। मैंने लगा ये निश्चित रूप में हार्ट पेशेंट होंगे। बाद में पता चला तो ये तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा ही नहीं रहे, ये तो जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट सेंटर एक ही जगह था। उनका बुढ़ापा में जब दांत गिर गया ना, वो फिर से वो सबको हटा करके अच्छा चकाचक 32 दांत लगाने जाए थे गए थे। तो किस प्रकार का स्थिति है? जरा कोई नहीं चाहता। व्याधि कोई चाहता है क्या? मुझे थोड़ा कोरोना हो जाए, बहुत दिन से हुआ नहीं, सबको हो रहा है, कोई चाहता है ऐसे? कोई चाहता है मुझे थोड़ा बीमार हो जाए, अरे बहुत दिन से मेरे हाथ सुस्त है, थोड़ा टूट जाए? कोई चाहता है इस प्रकार का व्याधि, कोई दुख कष्ट? ये कोई भी नहीं चाहता। तो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 84 लोक जन्म में जो भटकते 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 जो जीव को जिस प्रकार का कष्ट होता है, उसमें भी आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक जो कष्ट अभी बता रहा था, उस सारे कष्ट को पूरा का पूरा उस सारे कष्ट को निवारण करके उसका परमानेंट सल्यूशन करके गुरुदेव क्या करते हैं? उसको भगवान के चरणों में लेके पहुंचा देते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि दुर्लभो सद्गुरु देवी शिष्य संताप हर का, इस प्रकार का हे पार्वती, इस प्रकार का गुरु दुर्लभ होते हैं। जगत में तो बहुत सारे गुरु होते हैं लेकिन वो सब अपने अपने फायदे के लिए देखते हैं, लेकिन इस प्रकार का गुरु दुर्लभ होते हैं जो अपने शिष्य को कल्याण करें, जो शिष्य को अपने भगवत तत्व का अनुभूति करा दें, शिष्य को एक एक हमारे भक्तिवान बामन गोस्वामी महाराज जी एक बात बोलते हैं कि जो गुरु होते हैं वास्तव में जो गुरु तत्व में प्रतिष्ठित होते हैं उनका वास्तव में कार्य यह है कि एक शिष्य को आत्मधर्म में प्रतिष्ठित करवा देना, मतलब एक शिष्य को थोड़ा सा भी समझा देना। हमारे परम गुरुदेव के वाणी है भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज, एक जीव अगर कृष्णदास, मैं कृष्ण का दास हूँ, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, इसको भी समझ लिया ना तो परम गुरुदेव बोलते हैं वो सब कुछ जान लिया। हमारे परम गुरुदेव बोलते हैं कि एक जीव अगर समझ लिया कि मैं कृष्ण के दास हूँ, बस ये अगर उसको स्वीकार कर लिया, समझ लिया, ग्रहण कर लिया, इस बात को अंगीकार कर लिया कि मैं तो हर समय से कृष्ण की दास हूँ, हर समय से वैष्णव का दास हूँ, गुरु का दास हूँ, तो उसको मान लो तो सारे शास्त्र जान लिया, उसका सब कुछ हो गया। तो इसी प्रकार ये श्लोक का अर्थ है। और कल जो श्लोक है मैं बाद में दे दूंगा, अभी बोल दे रहा हूँ। गुरु अपि अवलिप्तस्य कार्य अकार्य अजानत उत्पत परिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। शास्त्र में जो असत्संग करने वाले गुरु को किस प्रकार त्याग करना चाहिए ये शास्त्र में बता रहे हैं। इसके श्लोक का व्याख्या कल श्रवण करेंगे। आज राय रामानंद संवाद जहाँ पे हमने छोड़ा था, आगे 15 मिनट है
ओम अज्ञातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिविधान श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, तत्पश्चात सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। तो आज जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम। तो एक बार ऋषिमुख पर्वत पर काफ़ी सारे साधुओं का संग हो रहा था, उसमें विश्वामित्र जी भी आए हुए थे। तो जो उस एरिया का राजा था वो वहाँ बहुत बड़ा भक्त था, तो वो सभी साधु संतों के पास जा रहा था। तो बीच में उसे नारद मुनि जी मिल गए। वे कहते हैं कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता है कि ऋषिमुख पर्वत पर काफ़ी सारे साधुओं का संग हो रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो कहता है ठीक, नारद जी कहते तो ठीक है जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ जाके विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। वो बोलता है क्यों? कि मैं तुम्हें वो बाद में बताऊँगा, तो प्रणाम मत करना। कहता ठीक है। तो वो ऋषिमुख पर्वत पर जाता है, कहता है सबको प्रणाम करके वो बैठ जाता है। विश्वामित्र जी देखते हैं सबको प्रणाम किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, तो वे क्रोधित हो गए। राम जी के पास जाते हैं, राम जी विश्राम कर रहे होते हैं, बाहर खड़े होते हैं लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि राम कहाँ है? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भ्राता श्री तो अभी विश्राम कर रहे हैं, तो इसे उठा के लाओ। तो राम जी आते हैं, कहते हैं प्रणाम गुरुदेव, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? कि वो बोलते हैं जो तुम्हारे राज्य का वो राजा है उसने आज ऋषिमुख पर्वत पर सबको प्रणाम किया सिवाय मुझे। तो इस बात पर राम जी को भी गुस्सा आता है। तो वे कहते हैं कि गुरुदेव मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल सूर्य उदय होने के बाद मैं उसका सर धड़क से अलग कर दूंगा और आपके चरणों में ला के रख दूंगा। तो ये बात फिर उस राजा को पता चलती है, तो डर जाता है, तो भागा भागा जाता है नारद मुनि के पास। वो कहता है कि नारद मुनि आपने मुझे क्या करवा दिया कि कल राम जी मेरा मृत्यु कर देंगे? तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, तुम सीधा अंजना माता के पास जाओ, वहाँ ये सब बताना और उनसे कहना कि ये सब हनुमान जी को कहे और उनसे पहले उनसे प्रतिज्ञा ले लें। कि ठीक है। फिर वो राजा भागा भागा अंजना माता के पास जाता है, कहता है कि अंजना माता ये सब हो गया, कल राम जी मेरा वध करने वाले हैं, तो आप हनुमान जी से कह दीजिएगा कि मेरी रक्षा करें और उनसे पहले मेरे प्रतिज्ञा ले लें। कि ठीक है जाओ, तुम एक कोने में जाके छुप जाओ, मैं उससे बात कर लूँगी। फिर शाम को हनुमान जी आते हैं राम जी की सेवा करके। तो अंजना माता कहती है कि हनुमान पहले मुझे एक प्रतिज्ञा दो। हनुमान जी कहते हैं किस बात की माते? कि आप पहले प्रतिज्ञा दो कि ठीक है, तो ये जो राजा है इसको दंड मिलने वाला है, तो उसकी तुम रक्षा करना। तो उसने कहा माते, मैं आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, एक साइड मेरे प्रभु हैं और इस साइड माता हैं, एक प्रभु ने इसे मारने का वचन दिया है, मुझे इसे बचाने का वचन दे रही हैं। तो पूरी रात भर हनुमान जी ये सोचते रहे। फिर सुबह हुई, फिर राम जी और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके चल दिए इसे मारने। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि चल तू मेरे साथ चल। और जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी के रास्ते में हनुमान जी आते हैं, वे कहते हैं हनुमान तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? कि प्रभु मैं इसे बचा रहा हूँ। कि क्यों? मैंने प्रतिज्ञा ली है कि इसको मुझे मारना है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने प्रतिज्ञा ली है इसे मारना है, लेकिन मैंने अपनी माँ से प्रतिज्ञा ली कि मुझे इसे बचाना है। तो राम जी थोड़ा सोच विचार में पड़ जाते, फिर कहते हैं ठीक है तुम अपने धर्म का पालन करो, मैं अपने धर्म का पालन करूँगा। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है प्रभु। फिर उस राजा को कहते हैं कि जैसे जैसे मैं गाऊँ वैसे वैसे ही गाना। तो हनुमान जी और राजा दोनों राम नाम का जाप करने लगे, तो उनके सामने एक सुरक्षा कवच खड़ा हो गया। तो राम जी ने अपना बाण निकाला और उस मारने लगे। जैसे पहला बाण गया वहाँ पर, जैसे उन्होंने छोड़ा वहाँ पर राम जी बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद होश में आए, फिर एक बाण छोड़ा फिर बेहोश हो गए। तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि प्रभु यहाँ बाण चला रहे हैं, वहाँ उनके लग नहीं रहा, प्रभु यहाँ के बेहोश हो रहे हैं। फिर पीछे से आते हैं विश्वामित्र जी, हनुमान जी इशारा करके राजा को कहते हैं कि जाओ उनसे माफ़ी मांग लो। तो राजा भाग के जाता है, उनके चरण में पड़ जाता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो विश्वामित्र जी माफ़ कर देते हैं। फिर विश्वामित्र जी जाते हैं सीधा राम जी के पास कि तुम्हें माफ़ कर दो, मैंने इसे माफ़ कर दिया है। कि ठीक है प्रभु। तो एकदम नारद मुनि प्रकट होते हैं कि नारद मुनि तुमने ऐसा क्यों किया? कि प्रभु मैं जहाँ भी जाता हूँ स्वर्ग में नरक में सब एक ही बात पूछते हैं, हरी बड़ा है या हरी का नाम बड़ा है? तो मैंने उसको बताने के लिए एक छोटी सी लीला कर दी, तो उसने क्या क्या परिणाम निकला?
कि हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसके साथ ट्यूमर को वांछा कर पुत्र वश्य कृपा सिंधु पति नाम पावने भी वैष्णव भी नाम। घर संसार की बात बोल देना, बात बंदी नहीं होगी। लेकिन किसको बोलो, भगवान की बात बोलो, ठाकुर का बात, लेकिन मुंह नहीं बोलता है। इसलिए शास्त्र कहता है, बड़े भाग्य से किसको जिह्वा पर ठाकुर जी का नाम और ठाकुर जी का जो कथा, बड़े भाग्यशाली व्यक्ति का मुंह से निकलता है। इसलिए भागवत में एक श्लोक होता है, बोले जो जिह्वा को प्राप्त करके भगवान के नाम नहीं लेते हैं, ठाकुर का नाम नहीं, भगवान की कथा नहीं बोलते हैं, कहते हैं जिह्वा कैसे हैं, कहते मेढक जैसे। आप देखना बरसात का समय में कि जो मेढक टटर 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 करता है, देखो मेढक, लेकिन सांप का आहार ये मेढक। अब ये सांप सोचता है, अभी तो मेरे को अपना भोजन ढूंढने का जरूरत नहीं, क्यों अपना भोजन हो तो मेरे को बुला रहा है। इतने वो सांप धीरे 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 वो मेढक का आवाज़ को सुनते 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 धीरे धीरे आता है और सीधा मेढक पर निकल लेता है। फिर मेढक टेटर करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है, अगर हम भगवान के नाम को ग्रहण नहीं करें, दुनिया की सारे बात को करें, लेकिन प्रभु का नाम ही नहीं ले, ठाकुर जी कथा ही नहीं बोले, कदि जो काल रूपी जो सर्प है, बोले काल व्यालम मुखम ग्रासम, ये काल को बताया एक सर्प है। जो व्यक्ति प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, उनका समय के ऊपर में काल का कोई प्रकोप नहीं पड़ता है, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु का नाम को छोड़ करके, प्रभु की कथा छोड़ करके दुनिया की बात करते हैं, क्या होता है, बोले काल उसका सारे कर्म को धीरे 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 नष्ट कर देता है। इसलिए भागवत कहता है, भैया तभी ये जिह्वा की सार्थकता है जब ये जिह्वा में ठाकुर का नाम हो, ठाकुर का कीर्तन करोगे। क्यों, ये 84 लाख योनि में एक ही जिह्वा मिला है, जिस जिह्वा से हम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं। मानव के सिवाय और कोई पशु पक्षी को बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, कोई बोल सकता है क्या? 84 लाख योनि में और कोई बोल सकता? कोई नहीं बोल सकते, केवल एक इंसान ही बोल सकता है। इसलिए तभी ये जिह्वा की सार्थकता कब है, जब ये जिह्वा से भगवान की नाम को जप करें। ठीक है ना बच्चों, इसलिए तुम लोग भी कोशिश करना, छोटे छोटे बच्चे, देखो लड़कियाँ कितना सुंदर बोलती, कल तो इसने धूम मचाया था, पूरा एक घंटा तक सुना, इसलिए भगवान की कथा सुना, इसलिए तुम लोग भी कोशिश करना सुनाने के लिए। ठीक है, क्या राहुल तुम बोलोगे, बोलो बोलो, हाँ दो मिनट का तुम क्यों बोलो, एक ले लो, ये ले लो, बोलो क्या बोलो, क्या सोच कर गए? अभी इस छोटे बच्चे ने बहुत अच्छी कथा सुनाई,
हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम है। तो मुझे भी एक कथा स्मरण हो आई, तो बहुत सुंदर कथा, आप ध्यान से सुनना, आप नोट कर सकते हो उस कथा को, कभी आप लोगों को कहीं किसी को सुनाने का अवसर मिले तो ज़रूर सुनाना। एक बार तीन माताएं एक साथ बैठे बातें कर रही थी, कौन कौन? सबसे पहली थी प्रभु श्री राम की माता, कौन है? कौशल्या। दूसरी थी हनुमान जी की माता, कौन है? अंजना माता। तीसरे एक ऋषि हैं अगस्त ऋषि, उनकी पत्नी, उनका नाम है लोपामुद्रा, क्या है? लोपामुद्रा। तो तीनों ये माताएं बैठी थी, तो माताओं का देखो स्वभाव क्या होता है, वो कभी शांत नहीं बैठ सकती, ठीक है? और खासकर अगर कभी माला करनी हो ना तो कभी एक साथ मत बैठो, नहीं तो क्या होगा, माला कम बातें ज़्यादा, एक भी नहीं होगी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अब हुआ क्या, तीनों माताएं बैठी हुई आपस में, तो सबसे पहले जो कौशल्या माता है वो बोल पड़ी, तेरी बहन बहन तुम्हें पता है मेरे बेटे राम ने क्या किया? उन्होंने बताओ क्या किया? मेरे बेटे राम ने समुद्र में एक बहुत बड़ा पुल बना दिया, मेरे बेटे राम ने इतने बड़े विशाल समुद्र में इतना विशाल पुल बना दिया, राम सेतु। तो दोनों स्त्रियां बोली वाह। तो इसके बाद जब ये बात अंजना माता ने सुनी तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो अपने बेटे की बढ़ाई कर रही है, मेरा बेटा भी कम थोड़ी ना। तो उन्होंने कहा कि देखो बहन बात ऐसी है, एक बात मैं भी बोलूँ, बुरा मत मानना। कौशल्या ने कहा नहीं नहीं बोलो बोलो क्या बात है। देखो जो तुम्हारे बेटे ने जिस समुद्र में पुल बनाया ना, मेरा बेटा हनुमान तो उसे एक ही छलांग में पार कर गया था। उन्होंने कहा है एक ही छलांग में पार कर गया था। अब ये सोच के जो माता है जो है सोच में पड़ गई है कौशल्या माता कि इसकी महिमा तो मेरे बेटे से ज़्यादा हो गई है, मेरे बेटे ने तो समुद्र में पुल बनाया और इसका बेटा तो एक ही छलांग में पार कर गया है, बड़ी दुखी हो गई। अब ये देखा तो तीसरी माता, ऐसा हो सकता है कि दो माताएं बोले तीसरी चुप बैठ जाए। उन्होंने कहा देखो बहन एक बात मैं भी बोलूँ, आप दोनों बुरा मत मानना, मेरे पति है ना अगस्त ऋषि, उन्होंने ना तीन आचमन में पूरा समुद्र पी लिया था, जिस समुद्र में तुम्हारे बेटे ने पुल बनाया, जिस समुद्र में तुम्हारे बेटे ने छलांग लगा के पार किया, मेरे पति तो उसे एक ही चुन में पी गए थे। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। उन्होंने भैया इसके पति की महिमा तो हम दोनों से ज़्यादा। अब माँ कौशल्या बड़ी दुखी हो गई है, सब कहती दुनिया कहती प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम, ये तो प्रभु भैया मेरे प्रभु की कोई वैल्यू ही नहीं रही, कोई बड़ी दुखी हो गई। तभी वहाँ से भगवान राम गुजरे, उन्होंने अपनी माता को देखा, माता क्या हुआ आप इतनी दुखी क्यों हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा देखो बेटा कैसी बात है कि मैं तो तुम्हारी बड़ाई कर रही थी कि तुमने देखो इतना बड़ा समुद्र पे पुल बांध दिया, लेकिन भैया वो तो अंजना माता तो बोल रही है हनुमान तो उसको पार कर गया है, और वो लोपामुद्रा जी बोल रही है वो तो अगस्त ऋषि तो उसे ऐसे हाथ में चूल भर पी गए थे, आचमन करके थे है, वो तो आचमन करके पी गए थे, तो तुम्हारी तो कोई महिमा ही नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं माता, जिस समुद्र में पुल बंधा था ना वो कैसे बंधा था, उस समुद्र पे हर पत्थर पे मेरा नाम लिखा गया था, क्या नाम लिखा गया था? राम। और तो और जो उनसे बोल दो माता अंजना से कि उनका जो अपने बेटे की इतनी बढ़ाई कर रही है ना वो किसका नाम लेके पूजा था, जय श्री राम, उसने किसका नाम लिया था? मेरा नाम लिया था। और तो और बोल दो अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा से कि उन्होंने कैसे समुद्र का पान कर लिया था है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, मेरा ही नाम लेके। तो किसके नाम की महिमा हुई ज़्यादा, किसकी महिमा हुई? भगवान के नाम की, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो देखो भगवान के नाम की इतनी महिमा है। लेकिन आप आजकल जो संसार है ना मॉडर्न, नहीं भाई क्या है, क्या माला झोली क्या होता है इससे, नहीं, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक है, साइंटिफिक वे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया हमारे साधु संतों ने बोल दिया माला पकड़ लो झोली पकड़ लो हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाई तुम क्या दिन भर माला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु का नाम है, एक बार लो प्रेम से ले लो, दिन भर क्या भाई उसे रट्टा लगाने की क्या जरूरत है, क्या होगा? मैं भी ये सोचता था भैया क्या होगा, ऐसा थोड़ा कि भाई लेते रहो तो क्या हो जाता है, नहीं। तो इस एक बड़ी अच्छी कथा सुनो, एक बार जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के बीच फुटबॉल मैच होना था, क्या मैच होना था?
फुटबॉल का मैच। अब फुटबॉल मैच वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें हुआ क्या, दोनों टीम फाइनल में पहुंच गई। फाइनल वर्ल्ड कप बिल्कुल आर पार, जैसे होता ना इंडिया पाकिस्तान, बिल्कुल मरने को तैयार, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान जीतेगी, बिल्कुल मरने को तैयार, ऐसा मैच बिल्कुल कांटे की टक्कर का मैच। अब हुआ क्या, जो जर्मनी का जो गोलकीपर था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया एक दिन पहले, एक्सीडेंट हो गया उसका। अब भैया तो गड़बड़ हो गई है, कल मैच है, फाइनल मैच है, और आज एक गोलकीपर जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करें, एक दिन में कहाँ से गोलकीपर पैदा कर दे भैया, है बड़े परेशान, उसका कोच बड़ा परेशान, क्या करूँ क्या करूँ, रात भर नींद नहीं आई उसे। सुबह सुबह उठा, जब उठ के वो आया और सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकल गया, रात भर तो नींद नहीं आई, आज तो मैच है, माता जी सुन लीजिए, ठीक है, रात भर उसे नींद नहीं आई। अब वो सुबह जब गया तो उसने देखा एक सब्जी वाला, फल फ्रूट सब्जी वाला एक खड़ा, वो क्या कर रहा था, एक ट्रक खड़ा है, ट्रक में से एक आदमी तरबूज फेंक रहा है नीचे, बिना देखे नीचे एक सब्जी वाला खड़ा है, जो सब फल फ्रूट बेचने वाला, वो उसको कैच कर रहा है तरबूज को, और गोदाम में वो वहाँ से तरबूज फेंकता है, वो कैच करता है गोदाम में, तरबूज पकड़ा गोदाम में, उसने देखा वाह ये इतने बड़े बड़े भारी भारी तरबूज फेंक रहा है, और नीचे खड़ा व्यक्ति उसको फटाफट कैच कर रहा है और गोदाम में लुढ़का दे रहा है। उसने कहा वाह, कहता ये बंदा, इसको उसने देखा खड़ा रहा वो वहीं, उसने देखा पूरा ट्रक खाली हो गया, एक तरबूज नीचे नहीं गिरा, एक तरबूज नीचे नहीं गिरा, सारे तरबूज वो कैच कर लेता, कभी इधर दौड़ के कभी इधर दौड़ के, और सारे गोदाम में लुढ़का देता। उन्होंने कहा भैया ये बनेगा मेरा कोच, ये इसको बनाऊंगा मैं अपना, क्या बनाऊंगा, गोलकीपर, गोलकीपर, फुटबॉल देखा होगा ना, गोलकीपर बॉल रोकता है, इससे मैं बनाऊंगा अपना गोलकीपर, यही रोक सकता है बॉल और कोई नहीं रोक सकता, उसको खड़ा कर दिया। अब वो गोलकीपर बन, उसको उसके पास गए कि भैया ऐसी सी बात है, तुम्हें हमारा गोलकीपर बनना है। उसने कहा गोलकीपर क्या होता है? उन्होंने बोला जैसे तुमने तरबूज को रोका ना, वैसे फुटबॉल रोकनी है, रोक लोगे? कह रहा हाँ, ये तो मैं तो कितने भी कैसे भी दे दूँ, कितने दस, तुम दस ट्रक लिया हो तरबूज के, मैं तो सब रोक दूंगा। उन्होंने कहा बस तुम्हें यही काम करना है, तो कर लोगे? कह रहे हाँ। कह रहे तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा? कहता ठीक है मैं कर लूँगा। तो सब्जी वाले को उठा के लिया है और मैच में, ठीक है, उसे कपड़े पहनाए, ड्रेस बनाई और खड़ा कर दिया कि भैया जो भी बॉल आए उसे रोक लेना, ठीक है, तुम्हारा यही काम है और कुछ नहीं करना। उसने कहा बस ये तो मैं कर ही लूँगा। अब जो टीम थी ना जर्मनी की, उन्हें पता चल गया जो हमारा गोलकीपर सब्जी वाला है, उन्होंने कहा भैया अब तो हम हार गए, अब तो हम हार गए। तो उन्होंने कहा भैया हार गए मैच, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम इतना बढ़िया खेलेंगे ना, फुटबॉल अपने गोलकीपर के पास जाने ही नहीं देंगे, अगर एक बार गलती से इस पर बॉल चले गई और गोल हो गया तो हम मैच हार गए, हमारा सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। सारी टीम बहुत बढ़िया खेली, उधर की टीम भी बहुत बढ़िया खेली, ना इधर का गोल ना उधर का गोल। अब लास्ट में एक ऑप्शन होता है कि जब इधर भी गोल नहीं हुआ उधर भी गोल नहीं हुआ तो एक पेनल्टी राउंड होता है, उसमें क्या होता है, उस टीम वाले को मौका मिलता है फुटबॉल पे इधर गोल करने का, इधर से एक टीम मेंबर को गोल करने का ऑप्शन मिलता है उधर की गोल में। अब ठीक है, अब जर्मनी वाले ने इधर गोल किया, उसके गोलकीपर ने रोक ली बॉल, अब इधर वाले की बारी, सब्जी वाले की बारी। अब जो थे ना सारे जो लोग थे, लोगों को भी पता चल गया ये सब्जी वाला है, तो है हमारी टीम से, जैसे है ना पता चला हमारी इंडिया की टीम से, भैया कोई कैप्टन है, कोई पता चल गया मैं तो ऐसी है, तो हम दुखी हो जाएंगे, ये तो भैया किसे कैप्टन बना दिया, तो वैसे ही सब लोग दुखी हो गए, टीम तो दुखी, इतनी दुखी हो गई ग्राउंड में बैठ गई सर पकड़ के, हाय भगवान ने किसको ये गोलकीपर बना दिया, सब्जी वाले को, अभी क्या करेगा। सब्जी वाला भी खड़ा हो गया बिल्कुल गोल के आगे। अब उधर से वो आया दौड़ता हुआ, उसने फुटबॉल में किक मारी, सब्जी वाला तो था ही एक्सपर्ट, उसने झट से बॉल पकड़ ली, जैसे उसने बॉल पकड़ी पूरे ग्राउंड में शोर मच गया, पूरा शोर मच गया, ताली बज गई, टीम वाले भी खड़े हो गए। लेकिन तभी अचानक सब्जी वाले ने जो बॉल पकड़ी थी ना उसे गोल में लुढ़का दी, गोल में लुढ़का दी, हो गया सत्यानाश, पूरा मैच हार गए। बॉल तो रोक ली पर उसे ये नहीं पता था बॉल रोकनी है, क्यों, उसकी आदत क्या थी, तरबूज पकड़ो लुढ़का दो, तरबूज पकड़ो लुढ़का दो, तो उसने बॉल तो पकड़ ली पर उसको भी फिर गोल में लुढ़का दी, तो सारा मैच हार गए। तो वही हमारे जो माला है ना, ये क्या है, हम माला क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं माला,
भगवान ने भगवत गीता में बताया, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियति समद भागवती नास्ति अत्र संशय। भैया अंतिम समय में मेरा नाम लेगा ना वो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय मत करना। कौन कह रहा? भगवान स्वयं कह रहे, भगवान कि अंतिम समय में मेरा नाम ले लिया ना तो मुझे ही प्राप्त हो गए। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ये सब माला क्यों कर रहे हैं कि अंतिम समय में हमारा भगवान का नाम निकल जाए, हे राम हरे कृष्ण कुछ निकल जाए तो भगवान को प्राप्त। लेकिन अभी क्या है, जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, संसार में टीवी फोन मोबाइल घर बार बच्चे मेरा ये, अंतिम समय ये निकलेगा। जो जैसा कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भाव तज्ज ते अंत्य कलेवरम तम तमें व्यति कौनते सत तदा सद्भाव भवित। जो अंतिम समय में जैसा भाव करेगा वो वैसा ही बनेगा है। राजा भरत ने हिरण का स्मरण किया, हिरण बन गए है। एक थे कोई, उन्होंने स्त्री का स्मरण किया तो स्त्री बन गए। जो सांप का स्मरण करेगा सांप बन जाएगा। जो घर गृहस्थी का स्मरण करेगा वो क्या बनेगा, घर में चूहा बन जाएगा, घर में सांप बन जाएगा, यही हाल होगा। तो हमारी 84 लाख योनि में हमें भटकना पड़ेगा। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, भगवान का नाम। जितना हो सके भगवान का नाम जपते रहो कि अंतिम समय में प्राण भी निकले ना हरे कृष्णा करते हैं बस। तो ये मन को ऐसे, मन है ना हमारा मन, ये बड़ा दुष्ट है, ये सारा खेल मन का है। ये हमें अपने मन को ऐसा ट्रेन कर देना है ना, जैसे सब्जी वाले ने ट्रेन कर रखा था, रोकना तो आता था पर उसका इतना था कि रोकने के बाद वो बॉल अंदर डाल देता था। लेकिन हमें मन को इतना ट्रेन करना है कि भैया निकले तो हरे कृष्णा ही निकले। एक राजा था, उसके पास एक बकरी थी, छोटी सी बकरी का बच्चा, उसने बचपन से उसे पाला हुआ था, बड़ा प्यार करता था। उसने उसे पालने के लिए एक आदमी को दे दिया, लो भाई इसे पालो। जब वो राजा ने उस व्यक्ति को बोला बकरी को शाम को लाओ, जब वो राजपाट के कार्य करने के बाद बकरी के साथ खेलता था तो उसने बकरी को घास दी तो बकरी खाने लगी। तो उसे बड़ा क्रोध आया कि जो मैंने जिस आदमी को बकरी का बच्चा संभालने के लिए दिया था है, वो क्या कर रहा, उसे कुछ खिला नहीं रहा क्या, ये तो मैं इसे घास डालता खाने लग जाती है। उसने उसे बुलाया और डांट लगाई कि भैया इस बकरी को इतना खिलाओ, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, अगर मैंने इसे घास दी कल और इसने खा ली तो देख लेना। उसने दिन भर उसे खूब चरने छोड़ दिया बिल्कुल घास के ढेर में, बकरी ने खूब खाया पिया। शाम को जब बकरी आई, उसने दोबारा, राजा ने उसको थोड़ी सी घास दी और बकरी ने दोबारा खा ली। उसका स्वभाव जान होते ना, पशु कुछ भी दे दो खाने बैठ जाते हैं, चाहे कितना ही पेट भरा हो। राजा को बड़ा गुस्सा आया, राजा ने कहा कल मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा अगर कल दोबारा बकरी ने घास खा ली। तो बड़ा परेशान, ये भगवान क्या करे। तभी वहाँ एक साधु थे, उनके पास गया कि महात्मा जी मेरी कुछ मदद करो। महात्मा जी ने पूछा भैया क्या क्या हो गया। उन्होंने बोला बकरी है ना, ये राजा ने बोला है कि मैं इसे घास डालू खाए ना, मेरे बड़ी गंभीर समस्या, क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने जो महात्मा थे उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, कान में कुछ कहा, शिष्य ने कहा काम हो जाएगा। अब वो गया शिष्य बकरी को लेके, उसके सामने घास डाली, जैसी बकरी ने घास खाने के लिए गई, शिष्य ने पकड़ा डंडा, एक लगाया डंडा, बकरी में क्या हो गए। फिर दोबारा घास दी, जैसी बकरी खाने आई उसने लगाया एक डंडा और बकरी पर लग गई, अब बकरी भागने लगी। फिर उसने दोबारा घास दी, बकरी अब सोचने लगी नहीं भाई नहीं, अब नहीं खाऊंगी। उसने दोबारा उसके पास आके दिया, ले घास खाया, बकरी ने नहीं खाई। बकरी समझ गई भैया घास खाऊंगी डंडा पड़ेगा। तो गुरु ने कहा कि लो भैया तुम्हारा काम हो गया, इस बकरी को ले जाओ राजा के पास। अब ले गए राजा के पास, राजा ने घास दी तो वो व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ, बकरी ने उसको देखा तो भाग गई, उन्हें घास सूंघी तक नहीं। तो ये क्या है, ये बकरी घास क्या है, ये हमारा मन है। ये बकरी कोई नहीं, हमारा मन है, बड़ा चंचल है, हैं कुछ भी कर लो इधर उधर भागेगा। तो ऐसे क्या करो, मारो खूब मारो। हमारे जो प्रभुपाद जी थे ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी क्या कहते थे, सुबह सुबह अपने मन को 100 जूते मारो। हैं मतलब मन है ना, मन बड़ा दुष्ट है, बड़ा चंचल है, ये तुम्हें भजन नहीं करने देगा, इधर उधर विषय वासनाओं में संसार में लगा के रखेगा लेकिन कभी भजन नहीं करने देगा। ये माला वाला क्या होता, कुछ नहीं होता। नहीं भैया उसको 100 डंडे मारो, मन को लगाओ, बैठो एकाग्र मन से बैठो, हरि नाम करो, देखना कितना फर्क मिलता है, कितना फर्क पड़ता है। तो ये मन को कंट्रोल करने की विधि है। जो कहते हैं ना हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हमारे बच्चे चंचल हैं, बात नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते भैया, उनको बिठाओ हरि नाम कराओ, देखो कैसे मन नहीं लगता है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं, कथा सुनने आते हैं, कैसे टाइम दे रहे हैं, देखना इनका कैसे आगे फ्यूचर कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए समय हो चुका है, अब थोड़ा गुरुदेव हमारे बताएंगे। मैं इतना बोल के अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वंश हाँ बिल्कुल।